हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं फिर से एसएससी सीजीएल टायर टू के पेपर में जो भी एवरेज और एसआईसीआई के क्वेश्चन आए थे उनको मैं सॉल्व करने वाला हूं। एवरेज से लगभग दो क्वेश्चन, एसआई एंड सीआई से लगभग चार क्वेश्चन, एसआई से दो क्वेश्चन और सीआई से दो क्वेश्चन, तो ओवरऑल छह क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अच्छे क्वेश्चन है एवरेज के, आप देखोगे उसमें भी अच्छे क्वेश्चन है, सीआई में भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कंप्लीट वीडियो को देखिए। और ऐसा नहीं है कि अब टायर टू में जो मैथ्स का जो मतलब आप ये समझ लो कि वेटेज है वो कम कर दिया गया है, फिर भी आपको उतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप देखोगे कि अगर दो ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके मार्क्स सेम आ जाते हैं तो सबसे पहला जो उसमें प्रिफर किया जाएगा वो किसको किया जाएगा, जिसके मैथ्स और रीजनिंग में अच्छे मार्क्स होंगे। ठीक है, यानी कि मान लो ये ए है और ये बी है, अगर दोनों एस्पिरेंट्स का जो मार्क्स है वो सेम आ गया तो फिर जो पहला निर्धारण करने का तरीका होगा, डिसाइड करने का या फिर दोनों में से किसको प्रीफर किया जाए, इसके लिए जो पहला तरीका है वो मैथ्स एंड रीजनिंग का मार्क्स देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का, उसके बाद फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होता है ये सिस्टम है। ठीक है, तो इसलिए मैथ्स में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और वैसे मैथ्स और रीजनिंग का लिमिटेड सिलेबस है, जीके जितना सिलेबस इसका वास्ट नहीं है, ना ही रीजनिंग का सिलेबस वास्ट है। आप लोग कमेंट कीजिए तो रीजनिंग पर भी वीडियो आएगी। ठीक है, तो काफी लोगों का कमेंट आया है बस सीएचएसएल के लिए, तो मैं सीएचएसएल की भी वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं। अब क्या है कि जो ये टायर टू वाला है इसमें क्वेश्चंस कम है तो इसको बनाना थोड़ा ईजी है मेरे लिए। और जो आपका वो है जिसको आप कह रहे हैं, सॉरी सीएचएसएल, अब सीएचएसएल में ये है कि सीएचएसएल में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अराउंड 40-40 हैं, तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगने वाला है और पीपीटी भी रेडी हो ही रहा है अभी, बेसिकली पूरा कंप्लीट रेडी नहीं हुआ है। जैसे रेडी होता है मैं सीएचएसएल का पेपर भी आपका टॉपिक वाइज सॉल्व करूंगा। उसमें मैंने परसेंटेज और शायद ट्रिगो पहले कर दिया है, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। बाकी आप टॉपिक कम से कम कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक सीएचएसएल वाला मैं पहले ले लूं, तो मैं सीएचएसएल करूंगा। फिर इसके बाद जो सिलेक्शन पोस्ट है फेज 10 का पेपर हुआ है उस पर मैं फोकस करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप जरूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पे, और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए विद्यार्थी हैं। ठीक है, यानी कि नए व्यूअर्स हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है। एवरेज एज ऑफ 7 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 28 ईयर्स, सात विद्यार्थियों का जो औसत है वो 28 वर्ष है औसत आयु। एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स इज 30 ईयर, पहले तीन लोगों का 30 है एवरेज। एज ऑफ फोर्थ स्टूडेंट इज 4 ईयर्स लेस देन द एज ऑफ फिफ्थ स्टूडेंट। एजेज ऑफ लास्ट टू, सॉरी दिस वन इज टू, ठीक है, यहां पर अंतिम दो छात्र हैं। ठीक है, तो लास्ट जो दो छात्र हैं उनका जो एवरेज है, सॉरी एज है, एजेज ऑफ लास्ट टू स्टूडेंट्स इज सेम एंड इज 5 मोर देन द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स। यानी कि अंतिम जो दो छात्र हैं उनकी आयु समान है, और साथ ही साथ जो प्रथम तीन छात्र हैं उनकी औसत आयु से उनका जो आयु है वो 5 वर्ष अधिक है। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ स्टूडेंट। देखो बेसिकली ये कैलकुलेशन बढ़ाने का या फिर टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, लेकिन यहां कैसे आप स्मार्ट वे में सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन को, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, आपने डेविएशन वाला तरीका देखा होगा, मेरा एवरेज का पुराना वीडियो देखा होगा सीजीएल सीएचएसएल या सीपीओ वगैरह का, तो आपको याद होगा। आप डेविएशन के थ्रू अगर इसको करें तो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, थोड़ा नहीं बहुत फास्ट कर सकते हैं। बाकी आप तरीके से भी एक बार सात लोगों का टोटल निकालो, आप 7 × 28 करके फिर उसमें पहले तीन घटाओ, आखिरी दो घटाओ, फिर जो बचेंगे, जैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर कि देखो पहले सात लोगों का टोटल कितना होगा, 7 × 28 होगा। ठीक है, ये सात लोगों का हो गया, इसमें से पहले तीन लोगों का एवरेज 30 ईयर्स है तो इनका टोटल माइनस कर दो 3 × 30, आखिरी के दो लोगों का माइनस करो। देखो आखिरी के दो लोगों के बारे में क्या लिखा है कि जो अंतिम दो छात्र हैं इनकी आयु सेम है और साथ ही साथ पहले तीन छात्रों की औसत से 5 ज्यादा है। पहले तीन छात्रों का औसत कितना था 30, तो उनका 35-35 बनेगा, 5 ज्यादा, तो आखिरी के दो लोगों का और माइनस कर दो इसमें से 35-35 दो लोगों का। ठीक है, तो देखो ये सात लोगों में से तीन और दो 5 लोगों को हमने माइनस कर दिया, तो अब दो लोग बचे और वो कौन कौन बचे, चौथे और पांचवे जिनका औसत बताना है। तो ये तो उनका योगफल आ गया, सम आ गया, और औसत निकालना है तो दो से आप डिवाइड कर दो क्योंकि दो लोग हैं, तो ये टोटल आप यहां से निकाल सकते हो। चाहो तो आप पहले ही दो से काट लो, दो से ये कट जाएगा, ये 15 × 30 और ये 14 × 28, तो 14 × 7 ये 98 हो गया,
और माइनस ये 15 तीन 45 और 35 दुना 70, तो 70 और 45 कितना हो जाएगा अपने पास 14 सत्ते 98, ये ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा यहाँ दो कट गया है ना, ये दो तो कैंसिल हो गया है, बस ये 15 तीन 45 और 35 रह गया है, तो 45 और 35 कितना हो गया अपने पास, जोड़ोगे तो ये 80 हो गया ओवरऑल 80, तो इसको माइनस करोगे तो ये 18 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ अपने पास, ऑप्शन सी आंसर है। अगर आप डेविएशन के थ्रू करते तो आप डायरेक्ट ये देखते हैं, एक मिनट देखिए, अगर आप डेविएशन के थ्रू करते तो आप ऐसा बोलते कि देखो पहले जो 7 लोग हैं ओवरऑल ग्रुप का एवरेज 28 है, ठीक है, लेकिन पहले के जो 3 छात्र हैं इनका औसत 30 है, अगर औसत 30 है यानी कि ये बाकी जो ओरिजिनल एवरेज है उससे तो ये दो दो ज्यादा हो गए, और ये 3 लोग हैं यानी कि 2 3 6, इन्होंने 6 एक्स्ट्रा ले लिया, ये अपने पास से 6 एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, इनको देना 28 ही है ग्रुप में, अगर ग्रुप का एवरेज 28 है तो इनको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है 28, बट एक्चुअल में ये तीनों कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं 30, यानी कि दो दो ज्यादा कर दिए तो 6 ज्यादा कर दिए। आखिरी के जो दो छात्र हैं उनका जो औसत है, या आप दोनों तो सेम ही हैं तो उनका एवरेज भी उतना ही रह जाएगा, वो 5 ज्यादा है शुरू के 3 के औसत से, शुरू के 3 छात्रों का औसत अगर 30 है तो उनका जो बनेगा वो 35 बनेगा, यानी कि 28 से वो कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 35 दे रहे हैं, देना 28 है लेकिन वो 35 दे रहे हैं, तो वो कितना ज्यादा दे रहे हैं, तो आप बोलोगे 7 ज्यादा दे रहा है, एक व्यक्ति 7 ज्यादा दे रहा है, तो दो मिलके 14 ज्यादा दे रहे हैं, यानी कि ओवरऑल 14 और 6 20 ज्यादा दे दिया उन्होंने। अगर वो 20 ज्यादा दे रहे हैं इसका मतलब जो दो लोग बचे हैं वो 28 28, उनको 56 देना चाहिए था लेकिन वो 56 ना देके वो 20 कम ही देंगे। 20 क्यों कम देंगे, क्योंकि 20 ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, तो 20 कम करोगे तो ये 36 बन जाएगा, यानी कि चौथे और पांचवे लोग मिलके 36 दे रहे हैं, तो उनका एवरेज कितना हो गया 18 हो गया। पांचवे और छठे दो लोगों का अगर योगफल 36 है तो एवरेज कितना होगा 18, दो से आप डिवाइड कर दो। तो डेविएशन वाला जो तरीका है बेसिकली, यहाँ कैलकुलेशन भी कम पड़ेगा आपको और आप इसको फास्ट कर भी सकते हो। इसमें देखो ये नहीं भी लिखते, ये सारा जो कैलकुलेशन मैंने लिखा है ये आप नहीं लिखते तो भी ये सॉल्व हो जाता है इजीली। बाकी अगर आपको तरीका समझ आ रहा हो तो जरूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर्स एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर्स। ये इजी हो गया, देखो फर्स्ट एन इवन नंबर्स का जो एवरेज होता है आपको याद होगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स यानी कि प्रथम एन सम संख्याओं का जो औसत होता है ये एन प्लस वन होता है। जैसे पहली 5 सम संख्याओं का औसत 5 + 1 = 6 हो जाएगा, वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स यानी कि प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत, ये एन ही रह जाता है, यानी कि पहली 5 विषम संख्याओं का औसत 5 ही रह जाएगा, तो आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला नहीं याद हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको इजीली, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तो आप ज्यादा फास्ट कर पाएंगे। जैसे ये सम संख्याएं 148 है तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, इसमें 1 प्लस कर लो 149, और विषम संख्याएं में जितनी संख्याएं होती हैं उतना ही एवरेज बन जाता है, अगर वो फर्स्ट से काउंट की जा रही है तो 129 है तो एवरेज भी 129 रह जाएगा। अब इस दोनों का डिफरेंस बता दो, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का है, ठीक है। शायद मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं इसमें, और नहीं भी लिखा था तो आप देख सकते हैं, मैं बता देता हूं वैसे। अच्छा SICI लिखा था मैंने, SICI, चलो ठीक है, अब जब SICI लिख दिया था तो हम SICI ही कर लेते हैं, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन आपको अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। अब इसमें एक बात यह भी है कि जो एवरेज है बेसिकली वो मिक्सचर एलिगेशन के साथ ही मर्ज होता है, एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के भाई ही हैं, इसीलिए मैंने एक साथ इनको सॉल्व करने का फैसला किया था। तो अभी मैं मिक्सचर को ही सॉल्व कर देता हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मिक्सचर एलिगेशन के वो 2 हैं। SICI को मैं एक साथ मर्ज कर लूंगा तो टोटल क्वेश्चन 4 बन जाएंगे, या फिर इनको मैं परसेंटेज तो कर चुका हूं मैं, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के साथ इनको मर्ज कर लूंगा। अभी मैं मिक्सचर एलिगेशन सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। चलिए देखिए अब इसमें क्या है, मिक्सचर एलिगेशन के पहले क्वेश्चन में, अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कॉन्टेंट्स 20% एसिड, 20% एसिड है। व्हेन 10 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर देन द परसेंटेज ऑफ एसिड बिकम्स 15%, व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर।
ओरिजिनल क्वांटिटी पूछ रहा है। देखो ऐसे में एक तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे फॉर्मूला क्या होता है कि ओरिजिनल मिक्सचर, देखो मैं लिख देता हूं, ठीक है, ओरिजिनल मिक्सचर और इनटू में आप यहां पर कांस्टेंट रेशियो लिखते हो, कांस्टेंट रेशियो और इक्वल टू यहां पर लिखते हो न्यू मिक्सचर, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, जैसे ओरिजिनल मिक्सचर आप मान लो एक्स है तो आप एक्स लिख लोगे, कांस्टेंट रेशियो इसमें कांस्टेंट क्या रहा तो आप देखोगे कि वाटर एड किया जा रहा है, पानी को मिलाया जा रहा है, इसका मतलब जो एसिड है अम्ल है वो कांस्टेंट है, तो अम्ल का आप रेशियो ले लो, अम्ल पहले कितना था 20%, बाद में अम्ल कितना हो रहा है 15%, तो 15 नीचे लिख लो और यहां न्यू मिक्सचर आप लिखोगे, यानी कि पहले से मिक्सचर एक्स था अब उसमें 10 लीटर पानी मिलाओगे तो मिक्सचर भी तो 10 बढ़ जाएगा, तो यहां 10 आ गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो आप इसको काटोगे तो इकट्ठेगा 4 × 5 = 20 और ये 3 × 5 = 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये 4x = आ जाएगा 3x और प्लस 30, तो x की वैल्यू यहां से 30 आ गई, यानी कि ओरिजिनल मिक्सचर जो थी वो 30 की थी। बाकी आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, चाहो तो आप एसिड पे एलिगेशन लगा लो कि पहले एसिड 20% था और फाइनली एसिड बना है 15%, ठीक है, और एसिड तो मिलाया नहीं गया है, वाटर मिलाया गया है, यानी कि जो मिलाया गया उसमें एसिड 0 था, अब इनको आप माइनस कर लो तो ये 15 रह जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो 5 × 3 = 15 यानी कि 3 और 1, अब जो मिलाया गया है वो पानी है, 1 की वैल्यू 10 लीटर है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब ये मत समझना कि यहाँ ये जो 3 आ रहा है ये तो भाई ओनली एसिड है, जो कॉन्स्टेंट होता है उसको हम टोटल मिक्सचर मानते हैं, ठीक है। आपको मैं दूसरा तरीका भी एक बता देता लेकिन इतना काफी है, ठीक है, इतने में आप बात समझ गए होगे, बाकी आप चाहो तो कमेंट कर लेना अगर कोई क्वेरी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 100 लीटर्स मिक्सचर इज 2:3, ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो 100 लीटर के मिक्सचर में 2 और 3 है। अब ये कह रहा है कि 100 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज विदड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद मिल्क, यानी कि उसमें से 10 लीटर है, 10 लीटर मिक्सचर को निकाला गया और उसको मिल्क से रिप्लेस कर दिया गया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more times, 2 बार और इसको दोहराया गया। ये कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, ठीक है, फाइनल मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज क्या है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले तो इस टाइप के जो क्वेश्चन पहले आते थे, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है आपको भी लगेगा, उसमें बस आपको टोटल मिक्सचर दिया रहता था, जैसे आपने फॉर्मूला भी इसमें पढ़ा होगा कि ऐसे केस में जो फॉर्मूला बनता है वो फाइनल जो वैल्यू बचती है, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जो टोटल मिक्सचर शुरू में था इंटू 1 माइनस और जो रिप्लेस हुआ है अपॉन टोटल और पावर एन, जितनी बार आप रिपीट किए हैं। लेकिन ये कब के लिए है, बस जब टोटल मिक्सचर जो दिया है वो क्या तो या तो ओनली वाटर होना चाहिए या फिर ओनली मिल्क होना चाहिए, फिर ऐसे केस में हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर जो 100 लीटर मिक्सचर है ये केवल मिल्क नहीं है और ना ही केवल इसमें पानी है, ये 2:3 में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है, यानी कि 100 लीटर अगर मिक्सचर है तो आप ये बोलोगे कि इस 100 लीटर में जो मिल्क और वाटर है वो अगर 2:3 है तो 3 और 2 = 5 की वैल्यू अगर 100 है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे कि 1 की वैल्यू हो गई 20, ठीक है, तो 20 × 40 लीटर तो मिल्क है और 20 × 60 लीटर क्या है उसमें पानी है। अब ऐसे केस में देखो ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा पहली बात, अब अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करें, देखो सबसे आसान तरीका जो होता है रिप्लेसमेंट में, जो नहीं चेंज हो रहा है ना आप उसको पकड़ लीजिए। नहीं चेंज होने से क्या मतलब है, मतलब जो बार बार नहीं मिलाया जा रहा है, जैसे इसमें क्या एड किया जा रहा है, 10 लीटर मिक्सचर निकाला जा रहा है लेकिन एड क्या किया जा रहा है इसमें, उसके जगह पर मिल्क को डाला जा रहा है, ठीक है, मिल्क मिलाया जा रहा है, तो मिल्क की वैल्यू बढ़ते जा रही है, जो रिड्यूस हो रहा है ना, जो वैल्यू रिड्यूस हो रहा है यानी कि जो वैल्यू घटते जा रही है ना, जो वैल्यू घट रही है उसको पकड़िए आप, उसके लिए इजी होगा क्योंकि वो बार बार बस घटेगी फिर बढ़ेगी नहीं, लेकिन मिल्क का क्या कंडीशन है, मिल्क घटेगा फिर बढ़ जाएगा, घटेगा फिर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसमें काफी सारे चेंजेज हैं। तो हम वाटर को पकड़ लेते हैं कि देखो वाटर का क्या हिसाब किताब है, 60 लीटर वाटर था या फिर 60%, हम परसेंटेज में ही बात कर लेते हैं क्योंकि 100 में से हमने काउंट किया है तो ये परसेंटेज भी है, तो 60% वाटर है। अब इसमें से वाटर में चेंज क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे 10 लीटर मिक्सचर निकाला जा रहा है, 10 लीटर देखो 100 में से 10 लीटर निकालने का मतलब कितना हुआ कि 1/10 हम निकाल रहे हैं, ठीक है, या 10% निकाल रहे हैं, 100 में से 10 निकालने का मतलब 10% निकल रहा है तो 90% रह जाएगा, 90% का मतलब 9/10, 90% का मतलब 9/10 जो है वो वाटर बचेगा हर एक बार, जब पहली बार आप निकालोगे तो वाटर 9/10 रह जाएगा,
फिर अगली बार निकालोगे 9/10, तीन बार प्रोसेस किया गया ना, तो 9/10 फिर से रह जाएगा। फिर से मैं बता देता हूं, देखो जो वाटर है वो 60% है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि टोटल 100 लीटर मिक्सचर में से हम 10 लीटर को निकाल रहे हैं, यानी कि ओवरऑल मिक्सचर का 1/10 पार्ट निकल रहा है या फिर 10% हिस्सा निकल रहा है। तो आप ये कहो कि जितना मिल्क होगा टोटल, मिल्क भी 10% निकलेगा और वाटर भी 10% निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम एज ऐसे ले लेते हैं एक ही बार में कि चलो अगर पूरा 100 लीटर में से 10 निकल रहा है तो 9/10 बचेगा, ठीक है। और वाटर हमेशा रिड्यूस होता रहेगा, तो हम एक इसी चीज को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ये 9/10 वाला केस हम मिल्क में नहीं लेके चल सकते, ठीक है। क्यों नहीं लेके चल सकते? क्योंकि मिल्क एक बार रिड्यूस हो रहा है तो फिर अगली बार बढ़ रहा है, फिर से 10 लीटर मिलाया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हम वाटर पे काम कर रहे हैं। ये कितना बनेगा आप बताओ, 1 0 से 1 0 आप काट सकते हो, और 9 का क्यूब कितना होता है, 729, और गुणा में ये 6 आ जाएगा और बटा 100। तो ये देखो आ जाएगा आपका 9 × 6 = 54, यानी कि लास्ट में 4 आएगा। अच्छा एक और बात समझो, लास्ट में अगर 4 आ रहा है और ये वाटर का परसेंटेज है, तो फाइनल परसेंटेज हमें मिल्क का बताना है, तो 100 में से हम वाटर वाले को माइनस करेंगे तभी तो मिल्क का परसेंटेज निकलेगा ना। तो जब आप 100 में से वाटर वाले को माइनस करोगे, और वाटर का लास्ट डिजिट जो है यहाँ पर, वाटर का लास्ट डिजिट 4 है, तो आप चाहे जो भी यहाँ पर आए लास्ट में अगर 4 लिखोगे, तो 0 में से 4 को माइनस करोगे, यानी कि 10 में से 4 को माइनस करोगे, तो लास्ट में 6 आना चाहिए। तो लास्ट में 6 ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। बाकी आप चाहो तो इसको पूरा कैलकुलेट कर लेना, अपना ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी वीडियो कैसा लगा आप जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना, और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।